नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर रहेंगे। दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी मथुरा पहुंचेंगे। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में केथ लैब का उद्घाटन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसके बाद रात 8 बजे बांके बिहारी मंदिर में सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही 7 जून को कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि इस दो दिवसीय दौरे के दौरान 7 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन पूजन भी करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। धनीराम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके मथुरा में आयोजित किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि जब से सत्ता में आए उसके बाद में दोबारा 3 घंटे का मथुरा में पहला ऑनसाइट ही प्रोग्राम है। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, ये पहला मौका है कि आदित्य योगीनाथ जी मथुरा में 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। जबकि पूरे प्रदेश में कहीं भी लगातार उनके मिनट टू मिनट के दौरे रहे हैं, और ये पहला मौका है कि योगी जी अब के पहली बार मथुरा में 2 दिन के दौरे पर आए। वो सुबह आगरा से आएंगे और सीधे वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में वो रामकृष्ण मिशन की एक चिकित्सालय उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में उनका मिनट टू मिनट दौरा रहेगा और पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में भी वो अपने अधिकारियों के साथ में वार्ता करेंगे। उसके साथ में वो रक्षा नगरी जाएंगे और शाम को वो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के बेटे की शादी में शिरकत करेंगे। उसके बाद उनका मिनट टू मिनट टाइम रहेगा और रात को वो यहाँ विश्राम करेंगे। सुबह वो द्वारकाधीश मंदिर के अलावा वो जन्मभूमि भी जाएंगे और वहाँ के बिहारी के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो बरसाना जाएंगे, वहाँ रक्षा जी की नगरी में उनका एक कार्यक्रम है। उसके बाद वो सीधे आगरा पहुंचेंगे और आगरा के बाद वो सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। पहला मौका है कि योगी आदित्यनाथ जी 19 घंटे के लिए मथुरा में पहली बार शिरकत कर रहे हैं। जी धनीराम, अभी तो आपने सीएम योगी के कार्यक्रमों की हमको जानकारी दी, तो ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि कई दिग्गज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, तो ऐसे कौन कौन से और नेता है जो भगवान कृष्ण की नगरी पहुँच रहे हैं सीएम योगी के साथ? जी, उनके साथ में ज्यादातर सभी विधायक से लेकर के और हेमा मालिनी है और खेत के और भी जो गणमान्य लोग हैं वो सभी पूरे साथ रहेंगे। साथ ही साथ उद्यान मंत्री की भी आने की संभावना है कि वो भी उनके साथ आएंगे। जी धनीराम, अगर देखा जाए तो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सीएम योगी का मथुरा दौरा भी है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी जी जी, मैं इसको बता दूं कि जन्मभूमि का मुद्दा इतना गर्माया हुआ है, कुछ लोगों ने इसके लिए पूरे पुलिस प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मथुरा से लेकर के वृंदावन तक के पूरे रोड को क्लीन करा करके पूरे रोड पर पुलिस फोर्स और पैरामेडिकल की टुकड़ियां लगा दी गई हैं। साथ ही साथ जन्मभूमि की भी विशेष सुरक्षा की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पहले से ही पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। धनीराम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे कि आपने बताया कि मथुरा पहुंच रहे हैं, तो तकरीबन कितने बजे तक उनके मथुरा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? जी, वो 9 बजे उनका कार्यक्रम था कि वो 7:30 बजे आगरा उतरेंगे और वहां से वो सीधे बांके बिहारी जी जाएंगे। धनीराम, अगर देखा जाए तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा इस वक्त एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। जहां पहले अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि एक मुद्दा था, जिस पर नतीजा आ गया है, जहां मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, तो क्या लगता है कि सीएम योगी के दौरे से श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर बदल सकती है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुद्दा यहाँ का बहुत ही गर्माया हुआ है। अयोध्या के बाद में मथुरा का मुद्दा लोगों की जुबान पर अब छा गया है और लगातार इसकी लगातार मांग की जा रही है कि जो जन्मभूमि मस्जिद का है उसको खाली कराया जाए और वहाँ रामलला की मूर्ति के अलावा कृष्णलला की मूर्ति अब यह विराजमान की जाए। जी जी धनीराम, सीएम योगी जैसा कि 7 जून को श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करने का भी उनका कार्यक्रम रखा गया है, तो वो मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर वो कितने देर तक मौजूद रह सकते हैं या वहां पर वो कितनी देर तक पूजा अर्चना करेंगे? जी, उनके साथ में वहां मंदिर के जितने भी सेवायत हैं उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और वो योगी जी की इच्छा है कि वो कितनी देर वहां पर रुक पाएंगे। मेरा मानना है कि वो जहां तक यह
श्री कृष्ण जी की आरती आकर के जरूर करते हैं और वो वहाँ कम से कम 10 मिनट तो रुकते ही हैं। लगातार पिछले कई बार जब वो भी आए हैं तो कम से कम वो 10 मिनट मंदिर परिसर में उन्होंने श्री कृष्ण जी की आरती उतारी है और आशीर्वाद लिया है वहाँ से। धनीना, मगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का संतों से गहरा लगाव रहा है, तो इस वक्त वहाँ पर साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं वो? जी जी, मैं आपको बता दूं कि वो बरसाना जाएंगे राधा जी की नगरी में, वहाँ पर साधु संतों के साथ में एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद में वो साधु संतों से और ब्रिज विकास परिषद के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनके साथ साधु संतों के साथ में उनके साथ वार्ता करेंगे। इस बैठक में और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं धनीराम जिन पे बात हो सकती है? विकास को लेकर के और जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के लगता है कि अब के कुछ ना कुछ कोई नया मुद्दा ही निकल के आएगा। जी धनीराम, अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार मथुरा जा रहे हैं, तो वहाँ की जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी जी, मैं आपको बता दूं कि उनके उत्साह को लेकर के पूरे बीजेपी कार्यकर्ता में बहुत ही उल्लास है और जगह जगह उनके स्वागत के लिए पूरे मथुरा को भी सजाया गया है, साथ ही साथ वृंदावन तक बहुत भव्य सजावट भी की गई है, मंदिरों में भी सजावट की गई है और सभी ब्रजवासियों को भी और जितने भी पार्टी कार्यकर्ता है उनको सभी को इतनी खुशी हो रही है कि पहली बार 19 घंटे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा में विश्राम करेंगे और एक नाइट स्टे भी करेंगे। ये पहला मौका है कि योगी जी मथुरा में रुक रहे हैं। धन्यवाद धनीराम इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे, इस दौरान वो श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर वहां दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही साधु संतों के साथ बैठक भी करेंगे। कानपुर हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद हर दिन अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है, आज 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर हिंसा में अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी ये भी आ रही है कि इस हिंसा के पीछे PFI के लिंक होने की भी बात सामने आ रही है, वही जिला प्रशासन भी इस मामले में बेहद गंभीर नजर आ रहा है। दरअसल 3 जून को उपद्रवियों द्वारा पथराव करने के साथ साथ पेट्रोल बम फेंक कर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया गया था। कई संदिग्धों द्वारा बोतल में पेट्रोल ले जाने का वीडियो भी कैद हुआ था। बोतल में पेट्रोल बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद उनको पेट्रोल दिया गया, इसी पर लापरवाही बरतने वाले पेट्रोल पंप को सीज करने के साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्तीकरण करने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बताते चले कि कानपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और लगातार दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जो हिंसा हुई थी, इस मामले में अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको पता चला कि जो है कल जफर को जो है कानपुर कोर्ट में लाया गया था, उसके बाद रिमांड पर बोला गया था, रिमांड जो है कल का न्यायालय का जो मामला था तो उस टाइमिंग जो है थोड़ा लेट हो गई थी, तो उसमें 4 जो आरोपी इसके हाशमी के साथ जो 4 लोग थे जफर के साथ, उनमें 3 लोग को जेल भेज दिया गया था और इनको रिमांड पर लिया गया था। आज हो सकता है कि इनको लंच के बाद जो है जफर हाशमी को जो है वो कोर्ट पेश करेंगे दोबारा रिमांड पर लेने के लिए। उपेंद्र, पुलिस द्वारा कितने दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है न्यायालय से? जी, आपको पता चले जो पुलिस द्वारा है रिमांड 14 से 20 दिन के रिमांड पे जफर हाशमी को लिया जाएगा रिमांड पे। जी उपेंद्र, इस वक्त देखा जाए तो कानपुर की मौजूदा स्थिति क्या बताई जा रही है, कैसी स्थिति है वहाँ की अभी? जी, यहाँ पे स्थिति बिल्कुल पुलिस से पूरे कंट्रोल में है और परसों से पूरा पुलिस होल्ड रखी हुई है, गिरफ्तारी और दबिश बिल्कुल लगातार जारी है। और आपको पता चले जो पेट्रोल बम वहाँ यूज किए गए थे उसके जो बस बेकरगंज के थोड़ा सा पीछे जो पेट्रोल बना हुआ है भारत पेट्रोलियम है, वहाँ से पूरा पेट्रोल लिया गया था। और पता चले आपको PSFI के जो इससे कनेक्शन नजर आ रहे हैं, उसके बाद जो है ये जो तैयारी है ये जफर के अनुसार जो पुलिस पूछताछ में सूत्रों से जानकारी मिली है पुलिस विभाग से कि जो 8 दिन पहले ये पूरी तैयारी कर ली गई थी, इस दंगे की तैयारी 8 दिन पहले ही की जा चुकी थी। उपेंद्र, जिस पेट्रोल पंप का नाम सामने आ रहा है, अभी तक उस पेट्रोल पंप के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा?
जी आपको बता दें उस पेट्रोल पंप को जिलाधिकारी नेहा शर्मा जो कानपुर के हैं उन्होंने जो हुआ है उसका लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए आयोग को नोटिस भेज दी गई है और ये जो पेट्रोल पंप है इसका लाइसेंस जस्ट कर दिया जाएगा और पेट्रोल पंप सील कर दिया जाएगा। और जो पेट्रोल पंप का डीवीआर था उस डीवीआर को पुलिस ने कंट्रोल में ले लिया है। जो वहाँ पे बोतलों में पेट्रोल लेने गए थे वहाँ पे संदिग्धों की पहचान भी की जा चुकी है और पुलिस जो है वो शाम तक पूरी तरह हरकत में आ जाएगी। और आज जो 5 बजे के बाद जो कमिश्नर कानपुर है विजय मीणा सिंह जो है वो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं उसमें 40 लोगों का पोस्टर जो है वो होगा मीडिया के माध्यम से जाहिर होगा। और अब ये जो पोस्टर आज मीडिया के सामने आएगा तो उसको क्या कानपुर में भी वो पोस्टर बड़े बड़े चौराहों पर लगाए जाएंगे, क्योंकि जब सीएए और एनआरसी का मुद्दा हुआ था तो पूरे लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर हमें हर चौराहे पर देखने को मिल रहे थे, तो क्या कुछ ऐसा कानपुर में भी देखने को मिल सकता है? जी हाँ बिल्कुल, आपको पता चला कानपुर में जो कमिश्नरेट में जो 40-38 थाने आते हैं पूरे कमिश्नरेट आउटर रोल मिला करके जो है 44 थाने हैं, सब थानों में ये पोस्टर पेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद प्रमुख चौराहों पर इसकी होर्डिंगें लगाई जाएंगी। उपेंद्र अभी आपने बताया कि आज जो इस दंगे का मुख्य आरोपी था जफर की आज कोर्ट में पेशी होगी, तो तकरीबन कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब पुलिस उनको कोर्ट लेकर पहुंचेगी? जी आप बताओ जफर आसमी को जो कोर्ट लेके जो है उसके वो करीब 2:30 से 3 बजे के लंच के बाद जो है 3 बजे के बाद उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद ही तुरंत रिमांड हो जाएगी। और पुलिस जो आज जो कल से लेकर के और जो आज तक पुलिस के कंट्रोल में जो हाशमी है उसमें जो है बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, सफेद मुस्ताओं नाम आ गए थे उसमें जो है देखा जाए तो कहने को कि इसमें जो नेता हैं वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों और चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो कोई भी नेता जो है बयान देने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि हालांकि जफर से जो है सबके लंबे कॉन्टेक्ट निकल आ रहे हैं। उपेंद्र का देखा जाए तो आज जब जफर की कोर्ट में पेशी होगी तो जाहिर सी बात है पुलिस पूरी तैयारी के साथ उसको बाहर निकाल के लाएगी न्यायालय में पेश करने के लिए, तो पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? जी पूरा जवाहरलाल जहाँ पे घटना हुई थी यतीम खाने के पास, यहाँ से न्यायालय की दूरी केवल 1 किलोमीटर की है, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 14 बटालियन जो है पीएससी तैनात है। और आपको एक बड़ी खास बात पता चले कि जो एटीएस की टीम बनाई गई है, एटीएस जो है वो जमीनी स्तर पर जो है इन लोगों दंगाइयों को सर्च कर रही है, उसमें जो आईपीएस जो है राहुल मिठास को चार्ज दिया गया है और उनके जो है 6 टीम बन रही है। उपेंद्र आज जब मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसकी सुरक्षा, उसको कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया जाएगा? जी आपको पता चले ये तो बहुत अहम मुद्दा है कि कड़ी सुरक्षा मतलब बिल्कुल उसको लाया जाएगा। और आपको पता चले जैसे कि देखा जाए कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो इसमें बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो सूबे के मुख्यमंत्री जो है जो उन्होंने आईपीएस लखनऊ से अजयपाल शर्मा को भेजा है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग जो है काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि वो हर चीज की समीक्षा करने के बाद ही काम करते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि सीएम योगी लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और सीएम योगी ने क्या अन्य एक्शन लेने को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? जो पोस्टर वायरल होंगे जो जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अगर वो स्वेच्छा से नहीं कंट्रोल करते मतलब पुलिस के टाइमिंग अनुसार अगर वो लोग नहीं कंट्रोल करते तो जो उनके कब्जे उनके घर को कब्जे पे वहाँ पे बुलडोजर चला जाएगा। कब तक ये कार्रवाई की जा सकती है बुलडोजर की? उपेंद्र अब ये प्रेस वार्ता के बाद कमिश्नर साहब आदेश बताएंगे कि इसमें कितना टाइम दिएगा, जो आरोपी भागे हुए हैं अगर वो सही टाइम पे सरेंडर करते हैं तो ठीक है और नहीं सरेंडर करते हैं तो ऊपर से आदेश सरकार से आदेश है जिला प्रशासन को कि इनके जो घरों पे है सरकार सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएंगी और वो घर पे बुलडोजर चला जाएगा। यानी कि उपेंद्र ये माना जाए कि आज शाम तक पूरा खुलासा हो जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? जी आपको पता चले अभी तक तो केवल 29 लोगों को जो है उनको जेल भेजा जा चुका है और जफर आजमी को तो पुलिस कंट्रोल कस्टडी रिमांड पे लेने के बाद जो जफर है उसके कई कॉन्टेक्ट जो निकल के आ रहे हैं जो वो फेसबुक इंस्टा उसमें कई लंबे में कॉन्टेक्ट आ रहे हैं और जहां तक उसका सोशल अकाउंट जो है वो भी लगभग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें कि 8 से 10 दिन पहले जो तैयारियां होनी थी जो पीएसएफ से उनसे बात हुई थी पीएसएफ भाई से कि ये दंगा करना है, इस दंगे की सारी चैटिंग जो है वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल होना चालू हो गई है। हो सकता हो कि इसमें जो लोग कुछ लोगों के जो इस नाम है और भी खुल के आ रहे हैं सफेदपोश नेताओं के खास। उपेंद्र इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, इस फिलहाल के जुड़ने के लिए धन्यवाद हमारे साथ। तो कानपुर से खबर आपको बता दें जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जो हिंसा हुई थी पुलिस का लगातार उस मामले को लेकर एक्शन जारी है और लगातार आरोपियों की और दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही एक बड़ी खबर भी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जहां इस
दंगे का मुख्य आरोपी जो है जफर, उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच। तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है जब पुलिस जफर को कोर्ट लेकर पहुंचेगी। फिरोजाबाद में टूंडला सर्किल हाउस में सोनार से बड़ी लूट हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने सोनार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं वारदात के समय सोनार से अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग भी की, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों ने दबंगई दिखाते हुए उसके साथ लूट की। शातिर बदमाश 300 ग्राम सोना, 2.5 लाख रुपए और पिस्टल लेकर फरार हो गए। पीड़ित स्वर्णकार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक लुटेरे को पहचान लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, ये एक सुनार है जो आगरा के फतेहाबाद में एक अपनी दुकान चलाते हैं। वहां से कल शाम को ये 8 बजे करीब लौट रहे थे, तो इनके पास 300 ग्राम सोना और 2.5 लाख रुपए की नकदी थी। एक पिस्टल, सरकारी पिस्टल ये लेके हमेशा चलते थे। और नगला सिंधी एक थाना पड़ता है टूंडला क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पे इनके साथ एक वारदात हुई। उसमें एक अपाचे सवार, दो लूटपाट सवार, दो लोगों ने इनके साथ लूटपाट की, जबकि इन्होंने लूटपाट का विरोध करने के साथ में एक फायर भी किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए और वो पिस्टल छीन के और 300 ग्राम सोना छीन के, 2.5 लाख रुपए छीन के वो फरार हो गए। संजीव, ये भी कहा जा रहा है कि जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनमें से एक बदमाश को जो सुनार है वो पहचान लिया है, तो अभी तक पुलिस द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस मामले पर? देखिए, सुनार द्वारा एक बदमाश को इसमें पहचान लिया गया है। एसएसपी फिरोजाबाद द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया है, लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। संजीव, जहाँ पर ये वारदात हुई क्या वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा या कुछ भी मौजूद था? देखिए, वहाँ सीसीटीवी कैमरे जो उस एरिया में, वो एक ग्रामीण इलाका पड़ता है, नगला सिंधी एक आउटर का थाना है, तो वहाँ अगर कहीं पे सीसीटीवी कैमरे हैं तो उनको पुलिस लगातार खंगाल रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि ये भी सुनार द्वारा बताया गया कि उसकी रेकी पिछले 2-3 दिन से लगातार चल रही थी, ठीक है, तो इसमें एक आदमी को उसने पहचान भी लिया है। यानी कि ये कहा जाए कि ये पूरी घटना प्री प्लान्ड थी, पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, पूरी प्री प्लान ये वारदात है। और जबकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बराबर के जिले मतलब मथुरा में आज दौरा भी है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये एक सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर। बिल्कुल, धन्यवाद संजीव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर फिरोजाबाद से आपने देखी कि किस तरह से सोनार से लाखों की लूट हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।